शिवपुरी के वरखाड़ी गांव में आरिफ अजमत शहीद इस्लाम वकील आरिफ रहीशा खान ने दो युवकों को घेरा, पीटा, चप्पलों की माला पहनाई, कथित तौर पर मल खिलाने की कोशिश की। पीड़ितों पर आरोप था गांव में लड़कियों से छेड़खानी का, लेकिन पुलिस का कहना है जांच में आरोप बेबुनियाद निकला। छेड़छाड़ की बात जो है ये बातें मीडिया में आई है, कुछ लोगों जो आई है, बट वो उसके कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो जिस लड़की छेड़छाड़ होता है वो वहाँ पे है नहीं, उसका पोजिशन दूसरी जगह है। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला संपत्ति और अवैध अतिक्रमण से जुड़ा था, जिसे छेड़छाड़ की कोशिश के तौर पर पेश किया गया और पीड़ितों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। इस मामले में बीजेपी कांग्रेस भी अब आमने सामने है। तालिबानी कृत्य जैसा है, एक घृणित कृत्य किया है, और उससे ज्यादा घृणित बात यह है कि इस कृत्य को दबाने के लिए कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रशासन को फोन किए गए, एक दलित व्यक्ति के साथ में जूते की माला पहनाई गई, उसके मुंह में मलबा भरा गया और उसके बाद में अमानुषिक अत्याचार किए गए उसके साथ, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार कर लिए गए लोग और मैंने कहा है प्रशासन को कि इस पे एनएसए की कार्रवाई करे, इन लोगों पर अगर अतिक्रमण है इनके तो अतिक्रमण पर भी बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि अपना ध्यान कांग्रेस और दीपिका पादुकोण की बिकनी से हटाइए। शिवपुरी की जहां तक घटना का ताल्लुक है उसमें आप कांग्रेस का नाम जोड़ रहे हैं, मेहरबानी करके यदि आपके पास नाम है तो सार्वजनिक कीजिए। उस पर एफआईआर अभी तक क्यों नहीं की कांग्रेस के लीडर पर? सिर्फ झूठ बोलकर आप कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने बात रखी तो शिवपुरी में पुलिस, वन विभाग, राजस्व की टीमों ने मल खिलाने के आरोपियों के यहाँ एक साथ कार्रवाई की। उनके मकानों को जेसीबी की मदद से ढा दिया गया। वन विभाग ने दावा किया कि 3000 हेक्टेयर जमीन को भी उसने मुक्त करा लिया, जिस पर आरोपी खेती कर रहे थे। शिवपुरी से अतुल गौर के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।